जय श्री महाकाल। आदेश, बड़ी दौड़ है, बड़ी खोज है, क्योंकि अंदर छुपी हुई है वो, साधक को पता ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर से धक्का देती है। उस धक्के की वजह से उसे लगता है बस जल्दी चलो, और वो एक दौड़ जैसी हो जाती है। अगर जीवन में सही माध्यम ना मिला, सही मार्गदर्शक ना मिला, तो जीवन में केवल उथल पुथल रहेगी, एक अज्ञात खोज रहेगी, लेकिन उस खोज की पूर्णता कभी पूर्ण नहीं होगी। एक कहानी है, सियारदास जी पैदल चले जा रहे थे, झूमते हुए मस्ती के साथ, लेकिन हर आने जाने वाले वाहन को वो हाथ दे रहे थे कि वो रुक जाए और वो बैठ के चले जाए। काफी देर हो गई, लेकिन उन्होंने रुकना उचित ना समझा, ये बढ़ते चले जा रहे थे। अब ये कहां जा रहे थे ये पता नहीं था। तभी एक वाहन आया और वो रुक गया। वो एक टैक्सी थी, वो रुक गई। तो बड़े आनंद फानन में अंदर घुस गए, टैक्सी के अंदर बैठ गए। उस ड्राइवर से बोले, चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी की स्पीड फुल कर दी, जितनी वो भाग सकती थी, 70-80 जितनी भी वो भाग सकती थी, फुल स्पीड में वो भगाए चला गया। और ये पीछे से कहते, जरा तेज चलो। वो बोला, साहब इतना ही चल सकता है, ये 3 पहिया गाड़ी है, ये अपने फुल स्पीड में जा रही है, इससे ज्यादा तेज मैं नहीं चला सकता। तो बोले, ब्रेक नहीं लगाना, बिल्कुल एकदम तेज भागते चलो, भागते चलो, भागते चलो। टैक्सी भागी जा रही थी, 6-7-8 किलोमीटर ये निकल गए। जब ये 6-7-8 किलोमीटर दूर निकल गए, तो टैक्सी वाले को याद आया, भाई जाना कहां है इसे। उन्होंने पूछा, क्यों साहब आप जाएंगे कहां? तो सियादास जी बोले, तुम तो चले चलो, बहुत तेज चलो, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। अरे तो भैया जाना कहां है ये तो बता दो, मैं वहां पहुंचा दूं। तो बोले, मुझे नहीं है पता, मुझे बस जाना है, कहां जाना है ये नहीं है पता। ललक और चाह है। आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पता ही नहीं है कि उसे जाना कहां है, वो चाहता क्या है, क्योंकि अधिकतर यही होता है। साधक जब भ्रमित हो जाए और वो स्वयं से निर्णय ना ले पाए, ये जब होता है जब उसने अपने आप को किसी दूसरे के हाथ नहीं सौंपा, क्योंकि वो सौंप दे और सौंपने के बाद वो उसे ये बता दे कि मैं ये चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, या मैं तंत्र चाहता हूं, या मैं फला विधा में पारंगत होना चाहता हूं, तब वो टैक्सी वाला उसे उस जगह पहुंचा सकता है। लेकिन जब उसे ही पता ही नहीं है कि उसे जाना कहां है, क्योंकि पल पल विचार बदलते, तो ये साधक के गुण नहीं है, ये धैर्य के गुण नहीं है, ये दृढ़ता के गुण नहीं है। पहले आपको निश्चित करना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप दर्शन चाहते हैं, शक्ति को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, या शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, या शक्ति का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, या मोक्ष चाहते हैं, कोई निश्चित नहीं है। आप एक बार में सभी चीजें नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे पिछले वीडियो में मैंने सूरदास जी के विषय में बताया था, उन्हें एक ही चीज चाहिए थी, प्रभु के दर्शन। वो उसी के लिए लगे रहे, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे जाप करते रहे। 8 वर्ष बाद एक घटना घटी और नारायण स्वयं आ गए, उन्हें दर्शन हुए। तो पहले स्वयं निश्चित करना होता है। एक और भ्रम फैला हुआ है कि अगर आप
पितृ योनि की शक्तियों को करोगे तो 4 वर्ष करे रहो, 5 वर्ष करे रहो, 6 वर्ष करे रहो, फिर काट के अलग कर दो। ये काट के अलग कर दो क्या कोई उसमें से अंकुरण निकल आता है शरीर में से जो उसको काट के अलग कर दो? भाई काट के अलग नहीं किया जाता है, उन शक्तियों को विसर्जित किया जाता है। जैसे आपने सिद्धि की है और सिद्धि करने के बाद उसी तरीका से दोबारा साधना करके जो संकल्प आपने बुलाने के लिए किया था वही संकल्प आप भेजने के लिए करेंगे। काट के अलग नहीं करना होता है। क्या काटेंगे आप? ऊर्जा को कैसे काटेंगे? अगर आप उनसे काम लेना बंद कर देंगे, अगर आप उनका जाप करना बंद कर देंगे, भले वो इत्र योनि की हो या देव योनि की हो, वो कभी नहीं हटते क्योंकि अगले जन्म में वो फिर जुड़ जाएंगे। ये सत्य है, सुना मैंने भी है और गीता में पढ़ा भी है कि जिस तरीके का या जिस शक्ति का साधक साधना करता है वो उसी को प्राप्त होगा। लेकिन गौर करें, गीता में ये भी लिखा है कि तू कर्म करता जा, फल की इच्छा त्याग दे। थोड़े से गहराई है इसको समझने में, क्योंकि भूतों में भूत मैं हूं ऐसा उन्होंने कहा है, कालों में काल मैं हूं, देवों का देव मैं हूं। तो जब भूत और प्रेत और पिशाच और मोक्ष और प्रेम और देव और दानव सभी वो हैं, तो हम आप कौन होते हैं उस चीज में निर्धारित करने वाले? और एक और है कि ये इसलिए बोला गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि जितना आप फल के लिए सोचोगे उतने समय आप अपने कर्म की गति और बढ़ा सकते हो। और एक और है कि कर्म का अगर आप सोचते हो तो कामना पैदा होगी, और अगर वो आपने अपना 100% नहीं दिया और अगर वो लाइन कट रही है तो आपका क्रोध जन्म लेगा, क्योंकि जो आपने कामना की है, आपने मान लो अपनी खेती लगाई, खेती में फसल हुई, फसल में आपने जो बीज डाले, आपका एक गणित था, आपका जो गणित था कि इसमें इतनी फसल होगी और उसमें कम हुई, तो आपको क्रोध आएगा। और आपके क्रोध अगर आप किसी पे नहीं प्रकट कर पा रहे हो तो वो सबसे पहले छूट के जाएगा परमात्मा के ऊपर। तो एक तो आप अप्रत्यक्ष रूप से पाप के भागी बने क्योंकि आपने परमात्मा पे दोषारोपण किया। दूसरी बात कि जो आपने कामना की थी वो पूर्ण नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से क्रोध जन्म लेगा, और जब क्रोध जन्म लेगा तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश होने पर विवेक क्षय हो जाता है, और विवेक का क्षय होने पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का नष्ट होना सुनिश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवद गीता की है, भगवद गीता में है ये विषय। तो ज्ञान चर्चाएं और विवेक सुनो सभी, लेकिन निश्चित करो कि आप क्या चाहते हो। अनभिज्ञ ना रहो। अगर उमंग अंदर से आ रही है किसी चीज की तो उसे समझने की कोशिश करो कि आप कहां जाना चाहते हो, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि सभी द्वार बड़े सहज हैं, किसी में भी आप प्रवेश कर जाओ, और वो बहुत जटिल भी हैं, क्योंकि जब तक आप प्रवेश ना कर पाओ तब तक, जब तक आप प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तब तक वो सभी द्वार बहुत जटिल हैं। तो निश्चितता इसी पर निर्धारित करती है। तो जो भी कहानियां मैंने सुनाई वो कहानियां केवल संदेश हैं उन चीजों को समझने के लिए, तो उनको आप समझें, अपने जीवन में उतारें, और विशेष सूत्रों को भी समझना पड़ता है तभी आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके अंदर दबी हुई है और वो बार बार आपको धक्का दे रही है।
चाहे वो आपसे जुड़ना चाहती हो या आपका प्रारब्ध हो या आपके लिए रचित विधान हो विधि का, तो आप उस मार्ग पर आगे बढ़ें और ये सुनिश्चित कर लें कि आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अंधी दौड़ कहीं नहीं जाती है, केवल आपका समय बर्बाद होता है। तो आज के लिए केवल इतनी ही चर्चा थी जो आपसे हुई। आशा है आपको ये जानकारी, ये चर्चा अच्छी लगी होगी। जय श्री महाकाल। आदेश।